चारा घोटाले में लालू यादव पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट दोपहर 3 बजे अपना फैसला सुनाएगा। देवघर ट्रेजरी से करीब 90 लाख रुपए की निकासी के मामले में लालू यादव समेत 22 आरोपी हैं। केस से जुड़े सभी आरोपी फैसले के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आने वाले फैसले को देखते हुए कोर्ट कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की कर दी गई है। फैसले से पहले लालू यादव ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लालू ने कहा है कि उन्हें इस बात पर पक्का यकीन है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लालू ने अपने समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। क्या उम्मीदें आज न्याय पर जस्टिस पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। हम निर्दोष हैं और कोई आरोप नकआउट नहीं होता है और दोरई ने भी सीबीआई भर से जादू जादू लिखा, तहलका में भी लिखा और हम लोग अपना जो गवाही और साक्ष्य हमारे वकीलों ने दिया है वो बिल्कुल हम संतुष्ट हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। आज न कल हमको इंसाफ मिलना है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। हम पूरे बिहार की जनता, देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो शांति व्यवस्था बना के आप रखेंगे और एक एक आदमी लालू यादव बन के काम करेंगे और हमको भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। सीबीडी संवाददाता मनीष मेहता रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, 3 बजे अब फैसला आएगा। बिल्कुल विद्या, पहला रिएक्शन जो वकील है लालू प्रसाद यादव के उनमें से एक है आनंद कुमार, उनका फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि आज जजमेंट के लिए जो निर्धारित किया गया तिथि, तो कोर्ट का कहना है कि फर्स्ट हाफ में हम लोग लोक अदालत, चूंकि आज लोक अदालत भी है तो फर्स्ट हाफ में हम लोग लोक अदालत का काम करते हैं, सेकेंड हाफ में हम लोग जजमेंट सुनाएंगे। 3 बजे का समय दिया गया कोर्ट के, 3 बजे का वक्त दिया गया। जी हाँ, क्या उम्मीद है, क्या होगा? एज ए डिफेंस काउंसिल हम लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि हम लोग के पक्ष में निर्णय आए और चूंकि लगता भी है जो एविडेंस सामने आया है कि हम लोग के पक्ष में ही निर्णय आएगा। विद्या, हमारे साथ बीजेपी के, कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। मैम, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आप बताइए, 3 बजे फैसला आएगा? फैसला देखिए, ये माननीय न्यायालय का है, 3 बजे आए, 5 बजे आए, हम सर आँखों पे हम लोग रखे हुए हैं उसको। इसमें हम लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है और हम लोग जो भी फैसला आएगा उसका सामना दृष्टा से शांति से करेंगे और अपने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने यहाँ जाएंगे। बीजेपी किस तरह से देख रही है? अब इन्हें शांति कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये उपद्रव करने आए थे कोर्ट में? लेकिन देखिए, जो चारा घोटाले के तमाम केसेस को देखेंगे ना, तो जितने डिलेइंग टैक्टिक्स करना था राजद को उन्होंने किया, जज तक बदलने की मांग कर दी। लेकिन अब इतने देर हमने को इंतजार किया तो 3 बजे तक इंतजार है? उग्र की बात नहीं है, मैंने शांति इसलिए, हमने अपने आप को, जब अगर आदमी को इस तरह का रिएक्शन होता है तो आदमी खुद अपने आप में एक भावुक हो जाता है। हम भावुकता, जो भी जो भी फैसला है हम लोग एकदम भावुकता और कड़े से हम तो चाहेंगे, हम अपेक्षा करते हैं, राम रहीम के चेले करते हैं, आरएसएस करते हैं। ये शांति की बात कर रही थी और अभी आपका माइक छीन रही थी तो आप इनका देख, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? नहीं, कांग्रेस सब पर नजर रखे हुई है और हमको लगता है कि जो न्यायालय का फैसला आएगा उसका कांग्रेस पार्टी सम्मान करेगी। खास बात ये भी है कि तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए, कई कार्यकर्ता आए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। 3 बजे फैसला आएगा, कार्यकर्ता के रूप में क्या? कार्यकर्ता रूप में यही है, लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा है, इसके फंसने से बहुत गरीबों को, वर्कर को घटा हुआ है, धक्का लगा है। हम, मुझे पूरा विश्वास है, गॉड के बाद में कोर्ट का स्थान है, मुझे पूरा विश्वास है। लालू यादव आपके साथ आरजेडी के नेता हैं, एक बार उनसे ये भी पूछिए कि आज इतना बड़ा फैसला आने वाला है, अगर फैसला इनके हक में नहीं आता है तो पार्टी में क्या कुछ बदल जाएगा? मैनेजमेंट विधेयक, खास बात ये, दो इम्पोर्टेंट बातें सामने आई है आज। जो लालू प्रसाद के यहाँ आने से पहले, ठीक पहले, जगन्नाथ मिश्र जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर यह बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इस केस में फंसाया है, लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही मुझे इस केस में मेरा नाम डाला गया। आपके पास मैं लौट कर आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो फैसला जिसपे आना है वह मात्र 70 से 80 लाख केस रुपए के मामला, 1 करोड़ का भी मामला नहीं है और जिसमें कि आरोपी, मुख्य आरोपी लालू जी को बनाया गया है जो कि आश्चर्यजनक है। और ये घोटाला जो है 1977 का घोटाला, लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने,
सीबीआई ने पूरा इंटरपोल लगाकर पूरे परिवार से लेकर के हर जगह जांच वांच किया, एक रुपया नहीं मिला। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मुक्की खानी पड़ी सीबीआई को। और पॉलिटिकल षड्यंत्र के हिसाब से बीजेपी और नीतीश कुमार जी के लोग मिलकर के ये सब केस मुकदमा करने का काम किए हैं। मनीष, कुल 22 आरोपी हैं, कौन कौन आज कोर्ट पहुंच चुके हैं? अब बिल्कुल विद्या, इस वक्त अगर हम बात करें अभियुक्तों की बात करें तो जगन्नाथ मिश्र जो है, जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री है, रह चुके हैं, वो कोर्ट परिसर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जगदीश शर्मा है, वो भी कोर्ट पहुंच चुके थे। इसके अलावा तमाम जो अभियुक्त थे वो कोर्ट पहुंच चुके थे। लालू प्रसाद यादव भी कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया कि 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं वो एक बार फिर जो है वापस रेलवे गेस्ट हाउस पर चले गए हैं और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं और हमारे साथ जो वकील है लालू प्रसाद यादव का, एक बार फिर वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि कानूनी पहलू की अगर हम बात करें, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2G की तरह उन्हें एक बार फिर उन्हें भी इस केस से बरी कर दिया जाए, वो विसल ब्लोअर की भूमिका। देखिए, 2G जो मामला है और चारा घोटाला बिल्कुल अलग मामला है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। चूंकि उनकी अपनी थिंकिंग है, अगर वो जोड़ रहे हैं, उनको लगता है कि उस मामले में अगर बरी किया गया तो हो सकता है इस मामले में बरी हो, उसके हिसाब से अगर जज साहब सोचे, ये उनका सोचना है। हम लोगों का ऐसा कोई सोचना नहीं है, उस पर नहीं। हम लोग जो एविडेंस इस पे लाए हैं इस केस में RC 64A में, जिसमें आज जजमेंट आने वाला, हम लोग इसके हिसाब से देख रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को आज बरी किया जाएगा। ठीक है, 3 बजे तक का इंतजार हम भी करते हैं। मनीष, आप नजर बनाकर रखिए इस बड़ी खबर पर, हम भी लगातार बने हुए अपने दर्शकों तक हर अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।